पुलिस की गिरफ्त में काला नकाब पहने ये नशे के वो सौदागर हैं जिन्होंने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी बर्बाद कर दी। न जाने कितने नौजवानों को शरीर में इन नशे के सौदागरों ने नशे का जहर घोला होगा। न जाने कितने परिवार इनके सौदागरी से बर्बाद हुए होंगे। उधम सिंह नगर पुलिस के स्मैक की भारी खेप के साथ एक महिला सहित तीन नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार हुए इन तीन आरोपियों से 3 करोड़ की स्मैक बरामद हुई है। बीती देर रात पुलिस गश्त करते हुए वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी शंकर फार्म कट के पास एक कार में महिला समेत 3 संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस टीम को देख कार सवार घबरा गए। शक होने पर जब टीम ने कार और युवकों की तलाशी ली तो उनके पास से 1 किलो 58 ग्राम स्मैक बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ये पुलभट्टा एसओ और उनके चौकी इंचार्ज पंकज और उनकी टीम के द्वारा 1 किलोग्राम स्मैक कल पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा पहले भी ये स्मैक के तस्करी का काम उधम सिंह नगर में किया गया है, इसकी बहुत दिनों से सूचना थी। तो लोग उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजेस के सामने या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को भी स्मैक बेचते हैं, उन लोगों के भी नाम भी पता चले हैं, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी बरेली से स्मैक लेकर आए थे, जिसे वो सितारगंज में सप्लाई करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। आरोपी खुर्शीद और महिला पति पत्नी हैं, जो पहले भी एनडीपीएस में कई बार जेल जा चुकी हैं। जिस रिफाकत से स्मैक लेकर आए थे वो भी कई बार जेल जा चुका है। बता दें कि रिफाकत की पत्नी भी कई बार जेल की हवा खा चुकी थी। बताया जा रहा है कि रिफाकत की पत्नी की मौत हो चुकी है। वहीं पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। उधम सिंह नगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।